पास्टर पे विचार करें तो क्या करें, पास्टर को या तो जिंदा जला दो या फिर कुछ लोगों ने कहा पथराव कर दो या फिर किसी न किसी प्रकार से उसको दंड देने की बात की थी। जय मसीह की दोस्तों, इस समय मैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आया हूं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे एक मौका दिया और एक ऐसा गंभीर विषय जिसके विषय में परमेश्वर भी बहुत गंभीर हैं, हम इस विषय को देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पोस्ट में देखा होगा या फिर टाइटल में पढ़ा होगा कि आखिर अगर पास्टर व्यभिचार करे तो क्या करे। मैंने बहुत समय पहले एक पोस्ट किया था जिसमें बताया कि अगर पास्टर व्यभिचार करे तो क्या करे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट करके बताया था कि पास्टर को या तो जिंदा जला दो या फिर कुछ लोगों ने कहा पथराव कर दो या फिर किसी न किसी प्रकार से उसको दंड देने की बात की थी। लेकिन मैं आज आपके सामने वचनों से बताने जा रहा हूँ कुछ बातें जो बहुत ही जरूरी हैं। अगर एक पास्टर व्यभिचार करता है तो निश्चय उसके साथ क्या किया जा सकता है, हम इस समय वचनों के द्वारा देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जो पास्टर जो शब्द है वो शेपर्ड यानी कि जो चरवाहा है उस शब्द से आया हुआ है। अगर हम ग्रीक में देखें तो चरवाहे शब्द से जो पास्टर शब्द निकला है जिसको हम रखवाला कहते हैं, और ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि अगर हम कलीसिया के अपने आप को रखवाले कहते हैं लेकिन इस शब्द के बारे में नहीं समझ पाते तो शायद हम इस बात को भी नहीं समझ पाते कि कलीसिया क्या है। व्यभिचार के विषय में तो आप जानते ही हैं कि यीशु मसीह ने कहा यदि कोई दृष्टि भी करे कुदृष्टि भी करे तो व्यभिचार कर चुका, जिसका मतलब था कि वो व्यभिचार अपने मन में कर चुका बुरे विचार के द्वारा। लेकिन यहाँ पर मैं उस मन के व्यभिचार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम मनुष्य किसी के मन को नहीं जांच सकते, लेकिन परमेश्वर यह जो हमारे मनों को जांचता है, हमें परखता है, हमें देखता है कि हम किस विचारों से भरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ पास्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के रहते किसी अन्य के साथ विवाह कर लिया या फिर अपनी पत्नी के होते हुए अपनी पत्नी को धोखा भी दिया। ये वो पास्टर नहीं जो परमेश्वर के द्वारा चुनकर उसकी सेवकाई के लिए समर्पित होकर चलते हैं, बल्कि ये पास्टर वो है जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, जो शरीर के कामों में फंसे हैं वही इस काम को करता है। लेकिन यहाँ पर दो बातों को हम देखते हैं जो एक दूसरे के विरोध में है, पहला पवित्र आत्मा का फल और दूसरा शरीर के काम। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल हमें मजबूत करता है विश्वास में, प्रार्थना में, हर बातों में, और हमारे जीवन के उन फलों को प्रकट करता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होता है। लेकिन एक शारीरिक मनुष्य अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवन में नहीं रख पाता। लगभग सभी पास्टर ऐसे नहीं होते। अगर हम पास्टर की बात करें तो पास्टर परमेश्वर नहीं, पास्टर कुछ अलग ही व्यक्ति नहीं है, बल्कि पास्टर जो रखवाली करने वाले हैं वो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई के लिए निकल पड़े हैं। और परमेश्वर ने जैसे पतरस को कहा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, पतरस कहता है हाँ प्रभु करता हूँ, तीन बार इसी प्रकार कहा, जिसका मतलब था कि इस बात को जान ले जो सेवकाई वो गंभीर है। जब प्रभु के इस काम में हम कदम बढ़ाते हैं तो हमें उस समय इस बात को जान लेना है कि ये सेवकाई बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि कलीसिया की रखवाली करना या फिर बेड़ों को चराना जो प्रभु के हैं, उन लोगों को प्रभु के वचनों को खिलाना, उनको सिखाना, ये गंभीर विषय है। कुछ लोग इस सेवकाई को यूं ही समझते हैं। जब हम बाइबल को देखते हैं तो जो प्रभु की सेवकाई है वो छोटा सा स्थान नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान का सेवा है। ऊंचे स्थान की सेवा का मतलब ये नहीं कि हम अपने अधिकार को जताएं और दिखाएं कि मैं प्रभु का दास हूं और तुम मेरी सेवा करो। यीशु मसीह ने जैसे दूसरों की सेवकाई के लिए अपने आप को लगाया, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, वही है जो सबसे बड़ी सेवकाई है, और इस बड़ी सेवकाई के लिए प्रभु ने हमें चुना हुआ है। बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि सबसे छोटा जो काम है वो पास्टर का है, सबसे बड़ा जो काम है वो परमेश्वर के बेड़ों की रखवाली करना यानी कि एक सेवकाई और रखवाली करना है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में पास्टर अपने आप को परमेश्वर के वश में नहीं रख पाता है या फिर शरीर के कामों में फंस जाता है, कलीसिया इस बात में समझ नहीं पाती और निर्णय नहीं ले पाती है कि हम इस पास्टर के साथ क्या करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कलीसिया में पास्टर को ये समझ लेते हैं ठीक है कोई बात नहीं, पास्टर ने कर लिया तो कर लिया, लेकिन परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, ये सोचकर पास्टर को उसी स्थान पर फिर रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल जो प्रभु का वचन है सेवकाई के विषय में बिल्कुल गंभीर है।
जब प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 वचन देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। हर एक पास्टर के लिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है अपनी और, सबसे पहले कहता है कि अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। वचन कहता है जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर के कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। दोस्तों, कलीसिया को पास्टर ने नहीं खरीदा है और ना ही वो कलीसिया पास्टर की प्रॉपर्टी है कि हम कहने पाए कि ये कलीसिया मेरी प्रॉपर्टी है। बाइबल कहती कि तुम कलीसिया के लिए आदर्श बनो और यहाँ पर हमें चुनने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, जिसने हमें अध्यक्ष ठहराया है ताकि हम कलीसिया की रखवाली करें। परमेश्वर चरवाहों के बारे में पुराने नियम से ही गंभीर है और जब हम यहेजकेल की पुस्तक उसका 34 अध्याय देखते हैं वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है हाय इसराइल के चरवाओं पर जो अपना अपना पेट भरते हैं, क्या चरवाओं को भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरना चाहिए? दोस्तों, यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, वो लोग अपने पेट को भर रहे हैं। दूसरी बात, वो भेड़ की रखवाली या भेड़ को वो चीजें नहीं दे रहे जो उनको जरूरत है। अब यहाँ पर बात ये नहीं कि ये लोग परमेश्वर में बहुत अपने आप को बढ़ा रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और कलीसिया की चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं तो निश्चय कलीसिया के विषय में भी हम सोचने लग जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हमारे साथ होता है तो इस बात में हमें सचेत करता है कि कलीसिया की हम रखवाली करें। लेकिन यहाँ पर जो वचन बताना चाहता है वो ये है कि शारीरिकता में तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, शारीरिकता में अपने भूख को मिटा रहे हैं, अपने आप को तृप्त कर रहे हैं भोजन से, अच्छी वस्तुओं से, आंखों की अभिलाषा से, सब बातों से, लेकिन ये लोग भेड़ की सुधि नहीं ले रहे हैं और परमेश्वर इस विषय में चिंतित और प्रभु कहता है कि तुम लोग अपना अपना पेट भरते हो लेकिन भेड़ बकरियों के बारे में तुम नहीं सोचते। जब हम कलीसिया में देखते हैं तो एक पास्टर जब कलीसिया को एक प्रॉपर्टी की तरह देखता है और अपने जीवन का निर्वाह करना चाहता है लेकिन कलीसिया को वो नहीं खिला पाता जो परमेश्वर चाहता है, निश्चय परमेश्वर हमारी भर्त्सना करता है कि तुम भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ले रहे हो, जिससे कि परमेश्वर खेदित है उस विषय को देखकर। फिर यदि अगर वो चरवाहे, वो पास्टर अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहे, व्यभिचार को करते रहे, दो दो पत्नियों को लेकर घूमे या फिर पत्नी के होते हुए किसी अन्य के साथ व्यभिचार करें, कलीसिया भी अगर उनकी बात में सहमत होती है तो इस बात को याद रखें, परमेश्वर कलीसिया के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आप ही एक अच्छा चरवाहा देगा। परमेश्वर चाहता है कि उस कलीसिया की रखवाली यीशु मसीह करें। बिना एक पास्टर के भी परमेश्वर कलीसिया की रखवाली करना जानता है, लेकिन अगर कलीसिया पवित्रता के साथ प्रभु की इच्छा पर चलती हो और इस झूठ में पास्टर का या फिर अन्य सेवक का साथ ना देती हो, आपको इस बात को जानना है कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, ना कि पास्टर, और पास्टर कलीसिया का एक भाग है। लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर जो रखवाले करके नियुक्त किए हैं ये गंभीर विषय हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर ने जो हमें काम दिया उसको सही रीति से करें। पहला पत्रस में जब हम वचन देखते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। यहाँ पर कहता है कि उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, उस झुंड की रखवाली करो। बाइबल कहती है दबाव से नहीं, रखवाली करने के लिए कहती है लेकिन दबाव से नहीं। अगर हम कलीसिया के अंदर किसी पास्टर को इस प्रकार देख रहे हैं जैसे कि वो कलीसिया पर पूरा अधिकार जमा रहा है, वो अपनी मन मर्जी, अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर रहा है और सब विश्वासी लोग उसके साथ सहमत होते हैं और पास्टर की ही सुनी जाती है, पास्टर जो कहेगा वो अंतिम निर्णय है, चाहे वो बाइबल से बाहर ही क्यों ना हो, वो कलीसिया, उस कलीसिया को परमेश्वर हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मुझे जानती है। और जब हम उसके शब्द को सुनते हैं तो हमारा असली चरवाहा तो केवल यीशु मसीह ही है। अगर हम उस पास्टर के साथ सहमत नहीं होते हैं तो हमारे पास रखवाला अभी भी है जो हमारी रखवाली करने के लिए तैयार है। लेकिन एक पास्टर व्यभिचार कर रहा है, लेकिन एक पास्टर उन कामों को कर रहा है जो आदर्श नहीं बन रहा है कलीसिया के लिए, आदर्श नहीं बन रहा है दूसरों के लिए। बाइबल कहती है जो अपने घर का प्रबंध नहीं करना जानता हो वो कैसे कलीसिया की रखवाली करेगा। घर का प्रबंध यानी कि अपने घर को ही सही रीति से सही रखना नहीं जानता हो केवल वो जो अपने जीवन को शारीरिक दशा में जीकर अपने परिवार को धोखा देता है। अब
उस चर्च में जिस चर्च में आप जाते हो, अगर वहाँ पर पास्टर सच में व्यभिचार में पकड़ा गया है तो आप बिल्कुल भी आप उसके साथ सहमत ना हो। एक इसका मतलब ये नहीं कि किसी से आपने सुना कि वो व्यभिचारी है और आपने उसको व्यभिचारी समझ लिया। बाइबल कहती है दो या तीन लोगों की गवाही होने पर इस बात को जान ले कि वो गलत है, क्योंकि प्रभु के दासों पर निश्चय आरोप लगते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठा आरोप भी लगाते हैं, जो आरोप सच्चा नहीं होता। लेकिन अगर वो आरोप जो लगाया है वो सच्चा है तो कलीसिया के अंदर उस पास्टर को फिर से खड़ा रहने की अनुमति नहीं, यहां तक कि उसको छोटे से छोटा काम करने देने की अनुमति भी नहीं। जब वचन को देखते हैं वहां पर प्रभु का वचन कहता है जितने भी हम पाप करते हैं वो शरीर से बाहर है, लेकिन जो व्यभिचार करते हैं वो अपनी देह के विरुद्ध में पाप करते हैं, और ये जब देह के विरुद्ध पाप होता है तो हम परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र ठहराते हैं और परमेश्वर जो इस मंदिर में चलता फिरता है हम उसको अशुद्ध करते हैं। कलीसिया के अंदर आज भी दो पत्नियों को लेकर चलने वाला कोई पास्टर है तो उसको छोटे से छोटा काम करने भी ना दिया जाए, क्योंकि वो आदर्श नहीं बना और अपनी अभिलाषा अपनी इच्छा पर चला और एक गवाही जीवन वो नहीं जी सका। अगर अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे के साथ भी उसके संबंध है, अगर आपको मालूम है, कलीसिया को मालूम है, तो आपको आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि कलीसिया का अधिकारी पास्टर नहीं, कलीसिया का अधिकारी हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। दोस्तों हमारी बड़ी गलती यही है कि हमने कलीसिया के अंदर पास्टर को अधिकारी बनाया है। अधिकारी बनाए तो केवल यीशु मसीह को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पास्टर का आदर ना करें। हमें पास्टर का आदर करना है जो सचमुच में एक आदर्श बने हुए हैं कलीसिया के लिए, जो सचमुच में प्रभु की सेवकाई के लिए निकल पड़े हैं और अपने जीवन को देकर अर्पण करके प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण करके चला रहे हैं, तो वो आदर के योग्य हैं। उनको आदर दें, वो आदर वर्शिप में ना बदल जाए, ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी गलतियों को ना देखें, होते हुए भी नजरअंदाज करें और उसको हम पूजने लग जाएं और एक दिन हम अपने सच्चे रखवाले को खो दें। कि जब अपने देह के विरुद्ध कोई पाप करता है तो परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध पाप करता है, और जो परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध पाप करता है तो वो कैसे कलीसिया के उन लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकता है जो लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। दोस्तों आप कह सकते हो कि उस पर पथराव करें, आप कह सकते हैं कि अगर वो व्यभिचार में पकड़ा गया तो आप उसे जला दें, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हमारे पास ये अधिकार तो नहीं कि उसको हम जलाएं, उसको पथराव करें या फिर उसे मारें, उसे पीटें, ये अधिकार हमारे पास नहीं। लेकिन इस बात को जानते हैं कि हमें अपने सच्चे चरवाहे को चुनने का अधिकार है, कि हम सच्चे चरवाहे की सुने, और प्रभु का वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अगर आप सच में प्रभु का शब्द सुनना चाहते हो, आप प्रभु को पहचानते हो, तो इस झूठ का बिल्कुल साथ नहीं दोगे। और दुख होता है इस बात का कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विवाह कर लिया, पत्नी को छोड़ दी, दूसरी शादी कर ली, अभी भी सेवा कर रहे हैं और उनके साथ साथ पास्टर भी उसका साथ देता है। वो बड़े दुख की बात है कि अन्य पास्टर भी उसका साथ देते हैं, दूसरी पत्नी लेकर वो जा रहे हैं और वो सेवकाई में उनकी सहायता करते हैं, जबकि उन्होंने अपनी गवाही जिंदगी को खराब कर दिया। अब सवाल ये हो सकता है कि क्या परमेश्वर फिर उनको मौका नहीं देगा? दोस्तों परमेश्वर मौका देगा या नहीं, ये परमेश्वर और उसके रिश्ते की बात है, उसमें हम नहीं कह सकते। लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि उसने अपने आदर्श को खो दिया, उसने अपने जिंदगी में उस गवाही जीवन को खो दिया जो कलीसिया के लिए होना चाहिए था और जो दूसरों के लिए होना चाहिए था। बस जब हमने इस बात को देख लिया, अब हम उसे स्वीकार ना करें और ना ही उसे दोबारा सेवकाई का मौका दें, बल्कि कलीसिया के किसी कामों में उसको शामिल ना करें, किसी प्रकार की सेवा उसको ना दें। क्यों? क्योंकि उसने कलीसिया को ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मंदिर को भी तुच्छ जाना है। यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के विरुद्ध पाप करता है उसके पाप तो परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन अगर मनुष्य परमेश्वर के ही विरुद्ध पाप करने लग जाए तो उसे कौन क्षमा करेगा? दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सेवकाई गंभीर विषय है। हम जहां पर रहते हैं, हम जब सेवकाई के लिए निकलते हैं, हम जिस घर में ठहरते हैं, हर समय शैतान इस ताक में रहता है कि हम व्यभिचार में गिराएं, हर समय इस ताक में रहता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन में बने रहते हो, लेकिन अगर आप अपने आप को बचाए रखते हो यूसुफ की तरह और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए निरंतर उस देह को जो परमेश्वर का मंदिर है पवित्र रखने के लिए बरकस प्रयास करते हो, तो कोई दुष्ट आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सुरक्षित होते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। मैं जल्दी से आपके सामने लाइव आने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं। समझ गए होंगे कि अगर एक पास्टर व्यभिचार करता है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों आइए हम किसी भी बात में कंप्रोमाइज ना करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई के साथ बढ़ें और इस बात को जान लें कि सेवकाई गंभीर विषय है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष।